जय सीताराम दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला आज आपको एक विशेष पौधे के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही चमत्कारिक और तांत्रिक पौधा है। इस पौधे में आयुर्वेदिक गुण भी बहुत सारे मौजूद हैं। ये बलाबल से भरपूर और ओजप्रोत में निपुण पौधा है। दोस्तों, इस पौधे से मदारी लोग एक घंटे में आम की गुठली से फल सहित वृक्ष तैयार करके दिखाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही तांत्रिक प्रयोग है। मेरे वीडियो में बने रहें, आगे और भी मैं इसके चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको लाभ हो। तो दोस्तों, क्या करना है आपको कि ये फल देख लीजिए, इनके फल पहचान करा दूंगा आपकी कि ये पौधे देखिए इस प्रकार के होते हैं, और पीछे भी बिल्कुल हल्का मद्दा कलर रहता है। और इसमें विशेषता होती है कि इनमें ये देखिए कांटे होते हैं, ये कांटा है दिख रहा है आपको, ये कांटा है, और कांटे बड़े विषैले होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, गड़ जाने पर अक्सर फोड़ा वगैरह बना देते हैं। तो दोस्तों, ये अकौल का पेड़ कहलाता है, अकौला बोलते हैं, अकलन बोलते हैं। तो दोस्तों, अकौले के फल जो है तो जामुन सरीके होते हैं, और जामुन सरीके खाए भी जाते हैं ऊपर का छिलका निकाल के, बहुत पौष्टिक होते हैं। तो आज हम फलों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके फल से चमत्कारिक प्रयोग कैसे होते हैं। तो दोस्तों, इसके फल को इकट्ठा कर लेना है और छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद इसमें 8 गुना तिली का तेल मिला लें, और तिली का तेल मिलाने के बाद इसको फूलने के लिए रख दें करीब 2 से 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता तक फूलने दें। फूलने के बाद डोला यंत्र या थिरा के किसी भी प्रकार से उस तिली का तेल को निकाल लेना है दोस्तों, और अकौलों का तेल तैयार हो गया है। अब इसके औषधि गुण भी बताता हूँ और चमत्कारिक गुण भी बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले औषधि गुण बताता हूँ कि इसको उस तेल को अगर आप थोड़ी थोड़ी करीब 5-5 ग्राम की मात्रा में रोज़ किसी मीठे के साथ खाएंगे तो आपका ओज बल फिर से उसी तरह हो जाएगा, और 80 साल का आदमी भी जवान होकर खड़ा होने की खोने का प्रयास करने लगेगा। दोस्तों, इतनी ताकत रखने वाला पौधा। और दूसरा प्रयोग है कि अगर गंजे बाल हो गए हैं, बाल नहीं उग रहे हैं, किसी भी प्रकार की बाल की कोई समस्या है, झड़ रहे हैं, तो इसका तेल लगाने से वो झड़न भी ख़त्म हो जाती है, और नए जगह में जहाँ बाल ख़त्म हो गए हैं उस जगह के बाल भी आना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, अब तांत्रिक प्रयोग की बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसके तेल में आम की गुठली को फुला देना है और उसको फूलते देना है, करीब 10-15 दिन फूलती रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, गुठली को निकाल के मिट्टी में गाड़ देना है। गाड़ने के बाद उसको धीरे धीरे करके पानी के छींटे मारना है, छींटे मारना है। तो दोस्तों, देखेंगे कि 1 घंटे में आम का वृक्ष फल सहित तैयार होके खड़ा हो जाएगा, रहेगा छोटा ही परंतु आपके देखने में आश्चर्यजनक और चमत्कारिक प्रयोग के अलावा सिद्ध नहीं होगा। दोस्तों, ये हमारे धन्वंतरी ग्रंथ का लिखा हुआ पाठ है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद, और अगली जानकारी पाने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी आप भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।